लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता इस बार इंदौर सीट जीतने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी के समर्थन में शहर के नेताओं द्वारा चाय पर चौपाल का आयोजन किया गया। राजीव विकास केंद्र के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के मुताबिक इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए चाय पर चौपाल का आयोजन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार किया जा रहा है, जिसमें आम जन को सीएम कमलनाथ के कार्यों की उपलब्धि के साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बताया जा रहा है। इंदौर के खजराना में हुए आयोजन में कांग्रेस नेता फिरोज खान, राजीव खान सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र द्वारा आज चाय की चौपाल लगाकर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री पंकज संघवी के समर्थन में हमने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया है उन बातों की जानकारी आम जनता से की। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा जो 73 दिन में 86 वादे पूरे किए उसकी जानकारी दी। वहीं केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने झूठे वादे किए, जनता को गुमराह किया, जुमलेबाजी की, 15 लाख खाते में आएंगे उनके कहीं अते पते नहीं, अच्छे दिन आएंगे उनके कहीं अते पते नहीं। वहीं प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार थी, भ्रष्टाचार और घोटालों और आम जनों को छलने के अलावा बेरोजगारी और कई समस्या रही जिससे आम जनता तत्पर रही। हमने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री पंकज संघवी के को जिताने के लिए चाय की चौपाल लगाकर घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विकास के। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।